What's up, people? This is your Tarun Bala right now, and you're watching Zero Degree Vlogs. First of all, happy Diwali sabhi ko. और अभी मेरा गेटअप पूरा देख के लगी गया होगा कि मैं जा कर रहा हूँ. तो मैं जा रहा हूँ फटाखों की शॉप्स में. हर सिटी में ऐसा होता है कि दिवाली के टाइम पे एक मैदान में, ज़्यादातर दशहरा मैदान होता है, दशहरा मैदान में बहुत सारी फटाखों की दुकानें लगती हैं, जहाँ पे होल सेल रेट में भी फटाखे मिलते हैं और काफ़ी सस्ते भी मिलते हैं. तो जिसमें से एक मेरे रिलेटिव की शॉप है, तो उसका थोड़े दिन पहले मुझे फ़ोन आया था कि भाई मैं शॉप लगा रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा बैनर में थोड़ा करेक्शन है. वो बैनर में क्या करेक्शन था मैं वहीं पर बताऊँगा. उसका फ़ोन आया था ऐसा मेरे पास कि यार शॉप पर ज़रूर आना. तो अभी मैं जैसे ही मनासा आया तो मैंने सोचा कि यार मेरे को वापस जाना चाहिए, तो मैं फटाफट से आया और रेडी हो गया हूँ. अब मैं निकल रहा हूँ वहाँ पे. वैसे फटाखों के बारे में मेरे कुछ अपने व्यूज़ हैं, अपने कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं, वो मैं वहीं पर जाके बताऊँगा, यहाँ पर नहीं बताऊँगा. सो फाइनली आई हैव रीच दशहरा मैदान, जो कि दशहरा मैदान यहाँ पे है. और यहाँ पे फटाखों की दुकान, सारी शॉप्स लगी है. और अगर मैं बात करूँ नंबर एक शॉप की, तो नंबर एक शॉप उधर है, ठीक है, और नंबर एक उधर है और नंबर दो इधर है. लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई कि यार नंबर एक उधर है और नंबर दो इधर है, जबकि स्टार्टिंग इस साइड से होना चाहिए. लेकिन सबसे पहले मैं जाऊँगा अपनी वाली शॉप, ठीक है. अच्छा यार, तो GoPro मेरा इधर है और मैं यहाँ से इधर GoPro निकालता हूँ अपना. एक तो ना यार बॉक्सर में तुझे मिस करता हूँ यार, क्योंकि सच बताऊँ ना सामान इतना है कि संभल नहीं रहा है मुझसे. बाकी सब बढ़िया है. कि नंबर 14, नंबर 16 है और नंबर 18 वो रही नंबर 18 बैनर मुझे दिख नहीं रहा है. ओहो, दीपक भी दिख गया है मेरे को. चलो बढ़िया, हाय हाय. और दीपक भाई, दौड़ में पहले हेलमेट रख देता हूँ, है ना, पहले सेफ्टी अपनी जगह. बाकी और जिस बंदे से मैं मिलने वाला था वो ये, बाकी सोनू राव. बचपन में एक्चुअली ये जो सोनू राव है, बचपन में इसके साथ में क्रिकेट खेलता था. अब मैं तो इसे जानता हूँ, लेकिन ये मुझे जानता है कि नहीं जानता, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है. बाकी सभी को मैं जानता हूँ, ये तो मेरा रिलेटिव है. हेलो भाई, छोटा भाई ना, अपना नाम बताते जाना भाई. मैं हेलो भाई, हेलो राहुल, नाइस टू मीट यू. तो बस पहले मुलाकात तो हो गई अपनी, है ना. तो अभी मैं निकालता हूँ अपना GoPro और वाइड एंगल में पूरा व्यू दिखाऊंगा यहाँ का, कि मार्केट का व्यू कैसा है. और बाकी एक चीज़ तो यहाँ पे गड़बड़ है यार. मैंने एक चीज़ नोटिस की कि दो नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एक नंबर को उधर क्यों भेज दिया है. क्या है कि जो नंबर काउंटिंग है वो सम विषम में चला हुआ है. एक नंबर उस साइड है, दो तीन चार सम विषम में काउंट हुआ. अच्छा, ऐसे अपोजिट है कि एक उधर है और एक इधर. सारे, हाँ, सारे नंबर जो है वो अपोजिट है. बाद में अरे सीनू, कैमरे से शर्मा आया. एक मेरा यार, मतलब क्या तकते हैं, सीनू बॉस. और सुमित को देखा होगा व्लॉग में, वेलकम टू मनासा वाले व्लॉग में. सुमित ने बहुत अच्छा काम किया था. सुमित ने बाइक चलाई थी और मैंने पीछे कैमरा पकड़ रखा था. उस समय मेरा इतना तगड़ा वाला सेटअप, तगड़ा तो क्या बोले, इतना सेटअप नहीं था, मैंने इतना इन्वेस्ट नहीं किया था. पर अभी इन्वेस्टमेंट है और आउटकम आ रहा है. मतलब मैं चाहता हूँ कि क्वालिटी दूँ और बस आपका प्यार और आपका सपोर्ट चाहिए, बस देते रहो ऐसे ही. और ऐसे ही मेरे जीरो के रोज बने रहो, क्योंकि जीरो के रोज ऑलवेज ऑन टॉप. ओके वैसे ही. Alright, तो ये देख रहे थे हम हमारा प्री वेडिंग शूट. सैंपल जोरदार है, बिल्कुल अच्छा है. बता दो कहाँ कांटेक्ट करना है. एक जो एडिटर होता है ना,
फर्स्ट बीट कट पे पता चल जाता है कि कितना अच्छा एडिटर और काफी अच्छी एडिट कर रखी है, लेकिन ज्यादा मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट का सिलसिला हो जाता है, क्योंकि कॉपीराइट भैया अगर लग जाएंगे तो वो कान में दम कर देते पूरा। तो शॉप का नाम है लक्की फोटोग्राफी और आपका स्टूडियो का मनासा, स्टूडियो मनासा में है, लेकिन मनासा के आसपास कहीं पे भी इंदौर ले लो पूरा मालवा एरिया, अगर कहीं पे भी काम हो तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और लिंक मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट करो और बढ़िया से अपना शादी मतलब एकदम झक्कास तरीके से ख़त्म करो यार, बढ़िया, क्योंकि अगर शादी में अगर खर्चा कर रहे हो तो थोड़ा बहुत खर्चा और कर लो, बढ़िया लगेगा। ऑल राइट, यूट्यूब पे जीरो डिग्री ब्लॉग्स। ऑल राइट, तो अभी मेरे भाई लोग थोड़ा बिजी हैं, वो लोग अपना जो कस्टमर है उनको देख रहे हैं, तो मैंने सोचा तब तक मैं अपने जो सेटअप है सेटअप के साथ मैं पूरा मार्केट घूम लूँ। तो मार्केट में इधर मुझे शॉप दिख रही हैं, मतलब 28 टोटल कितनी शॉप्स होंगी यहाँ पे, 60 अभी हाईएस्ट नंबर मुझे दिखा, 60 उस साइड है, और 63 65 हाईएस्ट दिखा अभी, और 65 से हाईएस्ट नंबर मुझे दिख नहीं रहा अभी। ओके ऑल राइट, 65 से हाईएस्ट, तो मेरे अंदाजे से 65 शॉप्स हैं यहाँ पे, क्योंकि उधर सेंटर में है और 63 उसके इधर है और 64 इधर है, तो इट मींस कि 65 लास्ट है कतई जहर। जा रहे थे बाकी तो ऑल राइट, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये शायद लाइट की फैसिलिटी दी गई है, लाइटिंग। हाँ, क्या मेरे चैनल का नाम, मेरे चैनल का नाम है जीरो डिग्री व्लॉग्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बोलो अभी मार्केट में सबसे टॉप फटाका कौन सा है जो जिसकी ज्यादा मार्केट में वैल्यू है? ओप्पो और गंगा जमुना। गंगा जमुना तो देखो बचपन से मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरा होम टाउन मेरी बचपन से ही है, बट राइट नाउ मैं अभी रहता हूँ ग्वालियर में, यानी मेरी पढ़ाई हुई है नीमच से। तो गंगा जमुना में क्या डिफरेंस आया बचपन से? ₹18-25 खरीद करता था। एग्जैक्टली 40 रुपए का शायद पैकेट आता था, 25 रुपए में खरीदता था, फोड़ता था, और अभी 53 रुपए गंगा जमुना होलसेल है। आप देख लो भाई, सही बात है, सही बात है, क्योंकि पहले ये होता था कि पहले लोग भर भर के ले जाते थे, इवन दो मेरा जो मोहल्ला है उषागंज में मैं रहता था, वहाँ पे होता था कि फैमिली वाले एक एक कट्टा भर के एक एक बोरा भर के पटाखे लाते थे, लेकिन आजकल उसकी जगह क्या हो गया है ना कि लोग एक पैकेट में काम चला रहे हैं, क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस इनकी बढ़ गई है। तो पटाखे बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं यार, हमारा देखो गरीब लोगों का है ना, बाकी तो वो लोग तो फोड़ लेंगे लेकिन हमारा क्या होगा। ओके थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। बाकी अच्छा है, सेल करो और साथ साथ में ये भी सीख देना कि सेफ सेफ है ना, सेफली करें। कि अभी मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाला पटाखा कौन सा चल रहा है? मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाले जैसे कि मोरी के, मोरी जैसे गंगा जमुना, मैंने सुना कि गंगा जमुना मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है। गंगा जमुना बहुत अच्छा चलता है, क्या इसका आवाज और इसकी क्या क्वालिटी अच्छी है, इसकी बहुत अच्छा चलता है। अच्छा, गंगा जमुना देखा जाए मनासा में जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मतलब 99 में मैं पैदा हुआ था, और तब से लेके मैं गंगा जमुना को आज तक मार्केट में देख रहा हूँ, मतलब ये है कि ये फटाका अभी तक चल रहा है, तो शायद इसमें कुछ ऐसी बात होगी कि इसलिए मार्केट में बाकी कई फटाके ऐसे हैं जो मार्केट में आके फ्लॉप हो गए, लेकिन गंगा जमुना अभी भी चल रहा है। गंगा जमुना इसलिए फ्लॉप नहीं हुआ कि मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी, मतलब इसकी आवाज़ भी अच्छी है, मतलब अच्छा चलता है, लेकिन देखा जाए कि इसके पैसों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया। जैसे अगर आज मैं बात करूँ मेरे बचपन की, तो बचपन से खैर अभी तक तो खैर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, लेकिन बचपन की बात करूँ तो बचपन से और अभी तक के रेट में काफी डिफरेंस है। पहले शायद 25 रुपए में 5 आ जाते थे, लेकिन आज इसकी मार्केट प्राइस आपकी शॉप पे क्या चल रही है? 50 रुपए के करीब, 60 रुपए या 50, 60 रुपए 50 रुपए, मतलब वो आप जैसे कस्टमर के हिसाब से देख लेते हैं। खतरनाक है कालिया, एक और शायद सिल्वर कलर में कोई ज्यादा बम आता है, सिल्वर कलर में एटम बम, वो दिख नहीं रहा हूँ, दिखाई काला, इसका भी बहुत नाम चलता है, इसका काला कालिया बम। हाँ हाँ, कालिया बम मेरे बचपन में बहुत खुला है।
एक इसमें लाल बत्ती वालों की बहुत ज्यादा खास बात है कि ये जो लाल बत्ती वाले, इनका ऐसा माना जाता है कि इनका साउंड अच्छा आता है और लोग प्रिफर भी लाल बत्ती वाला करते हैं। इसका क्या रेंज चल रहा है? इसका चल रहा है 60 रुपए। 60 रुपए का पूरा पैकेट, 60 रुपए का पूरा पैकेट है। और 60 रुपए में मेरे ख्याल से कितने बम आ रहे हैं इसके अंदर? इसके अंदर 10 आ रहे हैं, मतलब 10 वर्थ है। अगर आप 60 रुपए खर्च कर रहे हो आपको 10 बम मिल रहे हैं, ऐसे बमाम बमाम लोगों के बर्तन गिराने वाले, तो भाई मजा आ जाएगा। और अपने पास बड़े जो लड़ होती है, बड़ी लड़ में क्या? 1,000 रुपए के अंदर 5,000 का मजा मिल रहा है। शादियों में भी लोग शादियों में और जब गाड़ी वगैरह की पूजा होती है अच्छा साउंड आवाज करती है। देखो अगर मैं इसकी बात बताऊं, है ना, वो पैकेट नीचे रखा है लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसकी बात करूं तो ये काफी मजा आता है इसमें। पहले बचपन में ऐसा होता था, मैं बचपन की ज्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि फटाकों से अगर रिलेशन में यहाँ पे करूंगा तो बचपन का ही हो पाएगा, क्योंकि बड़े आते आते शौक थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन कई सारे शौकीन आदमी होते हैं जो फोड़ते हैं। तो इसकी बात करूँ तो ये ऐसे घूमती है और काफी मजा आता है और काफी अच्छा साउंड करती है। तो अगर आप अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हो तो ये दिला दो। अब ऐसा मत बोला कि तरुण खर्चा करवा रहा है, तरुण खर्चा करवा रहा है लेकिन इसलिए करवा रहा है कि ताकि आपका त्योहार अच्छे से बने। ये क्या चीज है? ये अच्छा, ये दीवार पे मारते हैं। आप अपने बच्चों को ये भी दिलाओ, दीवार पे मार मार के, मतलब सेफ है ये, दूसरे पटाखों से सेफ है ना, क्योंकि ये दीवार पे मारने पे फूटते हैं और सेफ है, इसमें ज्यादा नुकसान होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। बाकी पटाखों में थोड़ा नुकसान होने की, अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो नुकसान तो हो गई। ऑलराइट, सो भाई मिलके बहुत अच्छा लगा। ऑलराइट, तो ये था अपने इन भाई का वीडियो, इनकी वीडियोस देखी मैंने, काफ़ी अच्छे सिंगर है, समा बांधते थे मतलब इवेंट्स में, तो इनका इवेंट में ही काम है। तो इनकी पूरी डिटेल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी मिल जाएगा और इनका अगर कोई ऐसा लिंक होगा वेबसाइट का तो वो भी मैं डाल दूंगा। और अगर आप स्पेशली मेरी वीडियो के थ्रू बोलोगे कि नहीं हम उस वीडियो को देख के आए, तो मैं बोल रहा हूँ पर्सनली कि डिस्काउंट जरूर मिलेगा। स्टे टुगेदर ग्रो टुगेदर 18 है ना, तो अभी दुकान नंबर 18 पे अपन, दुकान नंबर 18 पे अपने पास सबसे धमाकेदार वाला बम कौन सा है, मतलब जिसे फोड़ने पे पूरी पूरा मोहल्ला देखने लगता है कि नहीं यार पटाखे हम फोड़ बम में सबसे एक्टिव, बम में हमारे पास सबसे एक्टिव वीआईपी है मतलब जो काफी डिमांडेड आइटम ये वाला। हाँ, ये वाला ये डिमांडेड आइटम है पूरा, लेकिन इसमें मैंने सुना है कि लाल बत्ती वाले ज्यादा दमदार होते हैं, तो लाल बत्ती वाले में उसमें डिफरेंस क्या है? लाल बत्ती क्या है कि वो कागज वाली आती है, ये जो बत्तियां हैं आजकल जो बम में आ रही है वो बत्तियां हैं, और वो जो कागज वाली है बारिश में क्या है अभी पानी ज्यादा होने की वजह से वो सारी बत्तियां काम नहीं करती, उसे जो सबको निकाल दिया गया है वो फ्यूज वाली बत्ती, और आगे से सभी बम और सभी पटाखों में आगे से भी फ्यूज वाली बत्ती। हाँ, तो ये जो रहता है ना कि शॉपकीपर जितनी भी शॉप्स आते हैं इनके लिए सबसे बड़ा टास्क होता है कि पटाखों को सील से बचा के रखना, सबको सील, क्योंकि अगर एक बार सील लग गई तो समझ लो लाखों का सामान रखा रहेगा तो वो भी किसी काम का नहीं बचेगा, तो सील से बचा के रखना पड़ता है। जो भी शॉपकीपर होते हैं वो अपनी रेंज बनाने को, रेंज मेंटेन करने के लिए सारी वैरायटीज करते हैं। रॉकेट में भी काफी सारी वैरायटीज आ गई आजकल, रॉकेट में काफी सारी वैरायटीज आ गई है, और रॉकेट तो अभी दिवाली सीजन में काफी डिमांडेड रहता है, आपको देखने को आसानी से मिल जाएगा हर दुकान पे। प्राइस 30 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का। अच्छा, मतलब इतनी सारी वैरायटीज कितनी, मतलब की प्राइस में इसके डिफरेंस आ रहा है? हाँ, हर साल मार्केट में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, जैसे फैंसी आइटम है बच्चों के, इस बार कलर स्मोक ने अपनी एक अलग पहचान दी। हाँ, कलर में जो स्मोक है उसको ये वाला बॉक्स, कलर स्मोक के नाम से ये वाला बॉक्स आएगा, ये आपको स्मोक धुआं देगा और फिर उसके बाद ये ब्लास्ट करेगा, तो इसका नाम। अच्छा, मतलब खतरनाक हो सकता है, हाथ में फोड़े तो खतरनाक? नहीं नहीं, इतना कुछ नहीं है, बाकी बच्चों के लिए खतरनाक, लेकिन फिर भी मैं तो बोलूंगा कि अवॉइड करो, है ना, फोड़ो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हाथ में फोड़ने का अवॉइड करो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में फुल बैटरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।